Disclaimer: this video is for entertainment purpose only and does not aim to harm or disrespect anyone. Thank you. So what's up, ML family? Welcome back to another episode of What's India. और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और इसके करंट अचीवमेंट्स के बारे में. चलिए बिना देरी करें आगे बढ़ते हैं. So what's India? इंडिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कोबरा चार्मर्स, योगा, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, दिस थिंग्स राइट. बट इज इंडिया ओनली अबाउट दिस थिंग्स? वाई आर वी ओनली इंट्रोड्यूस्ड टू आवर नेगेटिव एस्पेक्ट? वाई इज देयर नो पॉजिटिव साइड ऑफ आवर कंट्री? क्या हमारे देश में कुछ अच्छा ही नहीं है सच में? तो ये सुनिए, World's largest English-speaking country is India, which is almost twice the population of USA. ये तो फिर भी हुई foreign languages की बातें. चलिए अपने Indian languages की बातें करते हैं. India is the fourth most linguistically diverse country with more than 400 plus languages. और ये भी बड़ा हुआ करता था, लेकिन recently कुछ हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड से कुछ भाषाएं extinct हो चुकी हैं. उनके लिए हम फोर्थ में आ चुके हैं, वरना हम फर्स्ट पे थे. नॉट ओनली इन लिंग्विस्टिकली, इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड विद द लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन, सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, क्रिश्चियन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. यही पर ही नहीं, बल्कि इंडिया के हर एक माइनर और मेजर रिलीजन को सेम और इक्वल प्रेफरेंस दिया जाता है, लाइक Zoroastrianism, Confucian and much more. ये तो हुई हमारे कल्चर की बातें. अब चलिए हमारे कुछ वेल्थ रिलेटेड फैक्ट्स जानते हैं, जिन्हें लगता है इंडिया एक बहुत ही गरीब और अंडर प्रिविलेज कंट्री है, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडिया इज द फिफ्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. यहाँ पर ही नहीं, बल्कि प्रेजेंट दुनिया में तो जितना सोना है उसका ऑलमोस्ट 24% हमारे भारतीय नारियों के पास ही, जिसका अगर हम हिसाब लगाए तो कुछ अराउंड 150 टन के आसपास होगा. और इंडिया इज नाउ द कंट्री विद द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनरीज विद ऑलमोस्ट 177 बिलियनरीज. इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील इन द प्रेजेंट डे. प्लास्टिक सर्जरी, जिसके लिए आजकल लोग बंदर से सुंदर बन रहे हैं, इंडिया में इन्वेंट हुआ और इसके इन्वेंटर का नाम सुश्रुत है. ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी. इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार सन 1800 BCE में किया था. इंडियन मिलिटरी इज नाउ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मिलिटरी आफ्टर चाइना. यही बड़ी नहीं, बल्कि हम COVID-19 के टाइम में भी इतिहास रचने में पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मास्क एंड PPE किट्स बट ऑल्सो द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. तो आज का वीडियो यहाँ तक ही था. क्या आपको इस वीडियो को देख के एक प्राउड इंडियन फील हो रहा है? अगर हो रहा है तो मुझे ये भी कमेंट में जरूर बोलना. और चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.